जयपुर भीलवाड़ा नागौर अलॉटमेंट आएगा न्यूज वो भी चेकलिस्ट हम लेट आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी इसमें करना बहुत जरूरी है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। कोविड के लिए होने वाला है उसके लिए तैयारी के हिसाब से वीसी रखी गई थी, सेक्रेटरी साहब ने ली थी वीसी, जिसमें हमें जो पूर्व में जो व्यवस्थाएं करनी उसके बारे में जानकारी दी गई थी। गाइडलाइन कोई नई नहीं है, बस वही अभी तक तो वही है कि भाई आपको क्या क्या तैयारी करनी है, जो टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग वगैरह बुलाना, ब्लॉक लेवल पे भी टास्क फोर्स का गठन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम का गठन करना है, और जो वैक्सीनेटर वगैरह हैं उनको चिन्हित करके और उनका ऑनलाइन करना है कि कितने लोग वैक्सीनेटर के रूप में काम करेंगे, टीमें गठित करनी है और किन किन स्थानों पर कोल्ड चेन होगी, कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन होगा वो जगह डिसाइड करनी है, और वैक्सीनेशन वाली जगह किस तरह की होगी वो चीज़ बताई गई है कि किस तरह से आदमी एंटर होगा और कहाँ वो वेट करेगा, कहाँ उसका वैक्सीनेशन होगा और वापस बाहर कैसे निकलेगा वो सारे। जयपुर भीलवाड़ा नागौर और जयपुर में ये तैयारी देने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लैंड आइडेंटिफिकेशन जो भरतपुर और राजसमंद को करनी है, तो इसमें जैसा सारे अलॉटमेंट आएगा न्यू इक्विपमेंट का वो आपके जिलों को भेज पाएंगे। किसी जगह कोई क्वेश्चन कोई सजेशन अजमेर प्रकाश वो भी चेकलिस्ट हमें अभी तक भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिले हैं, तो वहाँ लेट आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी आप हेल्प करवा दें। और इक्विपमेंट का जो ऑप्शन होना है वो काफ़ी सारे में करना बहुत ज़रूरी है, और सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जिले पर उनको जो सर्वे रिपोर्ट भेजनी है वो भी आप जल्दी भेजें, ताकि हमारे पास नए लॉजिस्टिक और इक्विपमेंट्स के लिए सर एक अपना जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी है